प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में अग्रसर इन प्रवर्तन एजेंसियों ने देश में मादक पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती करके एक शानदार सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना और एटीएस गुजरात पुलिस द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में हिंद महासागर में लगभग 3,300 किलोग्राम ड्रग्स की एक विशाल खेप जब्त की गई है। यह देश में मात्रा के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है और अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें देश में चरस की उच्चतम जब्ती भी शामिल है। इस प्रकरण में 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। यह ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने की अटूट प्रतिबद्धता वाली प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी, नौसेना, गुजरात पुलिस को बधाई दी है। नशा देश की सुरक्षा और भविष्य का शत्रु है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एनसीबी के महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह और उप महानिदेशक ऑपरेशन एनसीबी के नेतृत्व में सागर मंथन को आरंभ किया। इसमें एनसीबी मुख्यालय की ऑप्स शाखा के अधिकारी और भारतीय नौसेना के ऑप्स खुफिया शाखाओं के अधिकारी शामिल थे, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में ड्रग्स की समुद्री तस्करी से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का मुकाबला किया जा सके। भारतीय नौसेना के सामान्य वन में एनसीबी द्वारा इस तरह के समुद्री अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। वर्तमान ऑपरेशन के पूर्व ऑपरेशन समुद्रगुप्त इस कड़ी में एक बड़ी सफलता है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य कार्रवाई योग्य जानकारी एकत्रित करना है, जिससे प्रतिबंधित मादक पदार्थों को ले जाने वाले जहाजों की गतिविधियों को रोका जा सके। लिहाजा इस कार्य के लिए टीम ने भारतीय नौसेना और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे एटीएस गुजरात, खुफिया एजेंसियों आदियों से जानकारी आदान प्रदान करना और ठोस सूचना को एकत्रित किया। टीम ने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आकार पर आने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया। 3,000 किलोग्राम से भरा हुआ ड्रग का जहाज भारतीय जल क्षेत्र में आ रहा था। यह भी जाम हुआ कि तमिलनाडु की ओर आने से इस मछली पकड़ने वाली नौका द्वारा 27 फरवरी 2024 को तकरीबन 1 बजे आ रहे जल सीमा के भीतर एक निश्चित बिंदु पर संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचाया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर ऑपरेशन सागर मंथन 1 को किया गया। इन ऑपरेशन के लिए एनसीबी, इंडियन नेवी और गुजरात एटीएस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। जहाज पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी द्वारा भारतीय नौसेना से सहायता का अनुरोध किया गया। एनसीबी के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के लिए अपने निकटतम सुरक्षा स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित की। भारतीय नौसेना की मदद से एनसीबी और गुजरात एटीएस की संयुक्त टीम ने 27/2/2024 को सुबह एक संदिग्ध जहाज को रोका। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय युद्धपोत द्वारा जहाज और चालक दल को पोरबंदर ले जाया गया। 5 विदेशी नागरिक जिनके पास कोई पहचान दस्तावेज नहीं थे और नौका के साथ एक सुराया और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। दवा पैकेजिंग सामग्री पर रास आबाद फूड्स कंपनी पाकिस्तान का उत्पादन प्रिंट पाया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ में 3,110 किलोग्राम चरस, 158.3 किलोग्राम क्रिस्टलीय पाउडर मैथ और 24.6 किलोग्राम हीरोइन था। इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का समूल भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। आवश्यकता अनुसार विदेशी ड्रग प्रवर्तन एजेंसियों ने भी भारत की अप्रेक्षित सहायता ली जाएगी। एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थ के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ऐसे संपूर्ण नेटवर्कों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए प्रयास जारी है। लिहाजा और ये कार्रवाई भी ऐसे प्रयासों का परिणाम है। यह ऑपरेशन अंतर एजेंसी सहयोग और समन्वय का भी एक बड़ा उदाहरण है। एनसीबी भारत सरकार के नशा मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग के लिए एटीएस, गुजरात पुलिस और भारतीय नौसेना की भागीदारी की सराहना की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज नौसेना और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम में हम लोगों ने छापेमारी करके लगभग 3,300 किलो ड्रग्स पोरबंदर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जल क्षेत्र से बरामद किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऑफशोर इतना बड़ा सीजर आज के पहले नहीं हुआ था। हमें लगता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रग फ्री भारत के स्वप्न की ओर हमारा एक कदम है। इसमें प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ 5-7 विदेशी नागरिक 3,000 किलो से ज़्यादा ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने नौसेना और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें नौसेना बेड़े के जहाज, हेलीकॉप्टर्स और मरीन कमांडोज भी शामिल हुए और हमने इनको इंटरसेप्ट करके 5 लोगों को डिटेन किया है, जिनकी पहचान अभी होना बाकी है। कीमत क्या होगी सर? देखिए, कीमत तो कोई इसकी निश्चित कीमत नहीं होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्ट्रीट वैल्यू अगर हम लें तो 1200-1400 करोड़ के आसपास होना चाहिए। देखिए, ये ऑपरेशन सागर मंथन 1 के तहत ये कार्रवाई हुई है, जिसमें लगभग 3,000
300 किलोग्राम से ज़्यादा ड्रग्स बरामद हुए हैं। मैरीटाइम रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और ईरान और पाकिस्तान के कनेक्शन से ये स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। इसमें 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे का डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। सर, कितनी टीम बनाई गई थी और कौन से रास्ते से लेके आ रहे थे? देखिए, एनसीबी की टीम के अलावा इंडियन नेवी और गुजरात एटीएस इसमें इन्वॉल्व था और ये तीनों के समन्वय से ये कार्रवाई की गई है। और जो रास्ता जो अख्तियार किया गया, जो रूट अख्तियार किया गया, वो ईरानियन कोस्ट, पाकिस्तानी कोस्ट और अरबियन सागर का जो कोस्ट है, इंडियन वेस्ट कोस्ट के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि इंडियन कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में कहीं भी लैंड करने की तैयारी में तस्कर थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत क्लियरली इस बात को रखा है कि ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच ड्रग्स के प्रति होना चाहिए और इसको भी मानकर चलना चाहिए कि बड़े से छोटा और छोटे से बड़े तस्कर पर नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा तस्कर बड़े तस्कर के तस्करी को ही इस्तेमाल करता है और वाइसी वर्षा भी होता है। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग कार्रवाई करते हैं, बड़े सिंडिकेट्स को पकड़ते हैं, बड़े नेटवर्क्स का उद्भेदन करते हैं ताकि छोटे नेटवर्क्स तक जो बात न जाए, छोटे पेडलर्स तक बात ही न पहुंचे। अगर बड़े सिंडिकेट्स का उद्भेदन होगा तो बिग फिश को पकड़ने से कारगर कार्रवाई होती है। सर, इसकी कीमत क्या होगी? सर, अभी जो मार्केट वैल्यू जो पता चल रहा है, वो इस कंसाइनमेंट का वैल्यू 1200-1300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के बीच हो सकता है। आने वाले दिनों में और भी कुछ होना सकता है? देखिए, ये इसको तो रिवील करना कैमरे पर संभव नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस कार्रवाई को आने वाली कार्रवाइयों में कड़ी ही मानकर चला जाए, क्योंकि लगातार हम लोग 5-6 ऑपरेशन पहले से कर चुके हैं, आगे भी ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहे। माना जा रहा है हाजी सलीम भी इसमें काफ़ी शामिल है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अगर अनुसंधान में ऐसा पता चलता है तो फिर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।